आखिर वन पीस के वर्ल्ड से एक मिस्ट्री कम हुई। ओडा इन पांचों बुड्ढों के पावर का राज बता दिया। इनके पावर का राज कोई चमनप्राश नहीं, इनके पावर का राज डेविल फ्रूट है, बहुत यूनिक और बहुत खतरनाक डेविल फ्रूट। तो चलो बात करते हैं फाइव एल्डर या गोरो से की सारी पावर्स के बारे में, उनकी डेविल फ्रूट पावर और उनसे रिलेटेड सारे फैन थ्योरीज या थ्योरीज के बारे में, और लास्ट में हम इमुसामा को भी गिन लेंगे। तो फर्स्ट नंबर पर सेंट सैटर्न, ये बंदा वन पीस के वर्ल्ड में मिनिस्टर है साइंस एंड डिफेंस का। इसके पास पावर है ग्योकी का, ग्योकी जो एक मिथिकल बीस्ट है जिसका शरीर स्पाइडर का है और सर एक काऊ का है। इसके पावर के बारे में तो कुछ खास पता नहीं है, पर इसके टेंटिकल्स बहुत मजबूत है, इतना कि अंबुजा सीमेंट में भी छेद कर दे। जैसे डॉक्टर वेगापंक के अंदर तो छेद किया ही, साथ में कुमा के भी। सेकंड नंबर पे सेंट मार्स, जिसका फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स है इन्वायरमेंट, और इसके पास पावर है एक इत्सुमाटे का। इत्सुमाटे जो जैपनीज कल्चर के हिसाब से एक क्रीपी बर्ड है जिसका चेहरा ह्यूमन का है, बॉडी एक स्नेक का है और पंख है। अब तक मांगा में इसे बस रीजनरेटिंग पावर यूज करते ही दिखाया है, और ये बहुत हाई लेवल पर रीजनरेटिंग पावर्स यूज करता है। थर्ड नंबर पे है एसीपी प्रद्युमन, मजाक कर रहा हूँ पर ये बहुत हद तक लगता है। सेंट टॉमन मर्क्यूरी, जिसका फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स है जस्टिस, और इसके पास पावर है एक योकी का, योकी जो एक पिग मॉन्स्टर है, और ये चाइनीज फोक टेल्स के हिसाब से ये कंट्री में अपना दहशत फैलाने के लिए फेमस, और ये बंदा भी वही किया है, जस्टिस के नाम पे हक के रखा है। फोर्थ नंबर पे महात्मा डी गांधी। सेंट न्यू जीरो, जिसके पास पावर एक बाकुत्सु का, बाकुत्सु कहा जाता है एक घोड़ा था जो जल के मर गया, और अभी तक इसी की पावर दिखाई गई है। इसने कुमा के पैसिफिस्टा को क्या काटा है, यूज कर सकता है चिल ऑफ द अंडरवर्ल्ड, वही जो ब्रुक यूज करता है, वही जो मरे हुए लोग यूज करते हैं। इसका फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स है फाइनेंस। फिफ्थ नंबर पे सेंट जुपिटर, जिसका फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स है एग्रीकल्चर, और इसके पास पावर है एक जाइंट वॉर्म का। इसे बिना पंख वाला ड्रैगन भी बोला जाता है। इसने मांगा में लूफी को खा लिया था, ड्रोगी और ब्रोगी ने बीच से काट दिया, पर इसे कुछ हुआ नहीं होगा। भैंचो ये लोग इतना हाई लेवल का रीजनरेटिंग एबिलिटीज रखा है। तो चलो बुड्ढों के बारे में बात हो गया, तो इनके मास्टर या मास्टरनी जो भी है उसके बारे में बात कर लेते हैं, इमू के बारे में बात कर लेते हैं, और इनसे रिलेटेड कुछ फैन थ्योरीज की। ये थ्योरी लीक एमएमएस की तरह इंटरनेट पे फैल रही है कि इनके पास कोई डेविल फ्रूट पावर नहीं है, वो इमू है जो इन्हें अंडरवर्ल्ड से समन कर रहा है। इस थ्योरी पे सबका बिलीव करने का ये रीजन है कि जैसे गोरो से टेलीपोर्ट हुए थे, तो तुमने वो स्टार देखा था ना, जैसे कि वो काला जादू में यूज नहीं करते अंडरवर्ल्ड से कॉन्टेक्ट करने के लिए। और दूसरा रीजन ये है कि जैसे उस महात्मा डी गांधी ने ब्रुक का चिल ऑफ द अंडरवर्ल्ड यूज किया होगा, जो मरे हुए लोग ही कर सकते हैं, कि अंडरवर्ल्ड की पावर को वो लोग आइस के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। पर मेरा मानना ये नहीं है, अगर मरे हुए ही दिखाना है तो ऐसा हो सकता है ना कि ट्रफर्गर डी वाटर लॉ का डेविल फ्रूट ओपे ओपेनोमी जो पहले किसी बंदे के पास था, वो किसी को तो जिंदा किया होगा ना, मे बी इन्हीं में से किसी एक को किया हो, तभी तो उसके फ्रूट के पावर के बारे में सबको पता चला होगा कि वो कैसे सर्जरी करके लोगों को इमॉर्टल कर सकता है, मे बी यही हुआ होगा। वरना इमुसामा बहुत स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग कि लास्ट फाइट में लूफी को मूत के आंसू रुला दे, वो कितना भी अपना गियर बदल ले या न्यूट्रल पे आ जाए, वो बंदा हारेगा अगर ये डेविल फ्रूट पावर होगा उसका। तो तब तो इमु गोल्डी रॉजर, व्हाइट बेयर और रॉक डी ज़िबैक जैसे कैरेक्टर को भी रिवाइव कर सकता है, तो बताओ उस कैरेक्टर से कौन जीतेगा जिसके साथ ये लेजेंडरी पायरेट्स हो। ये मेरा सोचना इस टॉपिक पे, ये मेरी थ्योरी आपकी बिल्कुल अलग हो सकती है, और आप अपने थ्योरी पे विश्वास करें, और आपको ज्यादा ही अपने थ्योरी पे विश्वास है तो कमेंट में हमें भी बताएं, हम भी विश्वास करेंगे। और नाउ लेट्स एंड दिस वीडियो। अगर आपको किसी डेविल फ्रूट के बारे में जानना है तो कमेंट करें, हम उस पर डिटेल लॉन्ग वीडियो बनाएंगे। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करो, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है कि हमारी वीडियो देखी भी जा रही है। तो नाउ लेट्स एंड दिस, बाय बाय।